अगर किसी को कमर में दर्द है या साइटिका का दर्द है, साइटिका का दर्द यानी कि एक तरफ जब पैर में दर्द जाता है, चाहे वो लेफ्ट में हो सकता है चाहे वो राइट में हो सकता है, अगर एक तरफ पैर में दर्द जा रहा है तो साइटिका का दर्द हो सकता है। उस समय पर हमने क्या करना है, बहुत सावधानी से आपको बता रहा हूं। अगर लेफ्ट में जा रहा है पेन तो ध्यान करना कैसे करेंगे, ये इनका लेफ्ट का लेग है और इसको घुटने के समय ऊपर उठाएंगे, अपनी कोहनी को आपने कूल्हे पर रखना है और पैर को ऊपर की तरफ उठाना है जितना आप उठा सकते हैं। आप देखेंगे कि जिनको साइटिका का पेन होगा इस पॉइंट पर बहुत दर्द होगा, 6 सेकंड का होल्ड करेंगे फिर वापस नीचे लेकर आएंगे, फिर आप रिलैक्स कर दीजिए, फिर इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर रिलैक्स कर दीजिए। ऐसे 3 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर दर्द में फर्क आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इनको राइट में पेन है तो इस कोहनी को आप कूल्हे पर रखेंगे और इस पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, फिर 6 सेकंड नीचे, फिर ऊपर उठाएंगे रिलैक्स करने के बाद, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाएंगे, 3 बार ऐसे करेंगे। अगर आपको बीचों बीच दर्द है, दोनों तरफ था, अगर इधर था तो मैंने आपको बताया, इधर था तो बताया, अगर बीचों बीच है तो अब दोनों पैरों को एक साथ आप ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे और आपने ये होल्ड करना है यहाँ पर, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर रिलैक्स करना, फिर होल्ड करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे इस तरीके से, और लास्ट में ये धब्बा रनिंग करेंगे इस तरीके से। आप देखेंगे कि कूल्हे में दर्द है, साइटिका का दर्द है, बैक पेन है, इन तीनों समस्याओं में इन 3 एक्सरसाइज से आप दर्द को तुरंत रिलैक्स पहुंचा सकते हैं, तुरंत ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।